कि लाल बागचा राजा फेमस है मुंबई में, तो वही प्रतिमूर्ति है, ये सेम मूर्ति है ये। तुमच्याशी भेटून खूप आनंद झाला आम्हाला। चला तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा, जे आम्हाला पाहताय त्यांना पण आणि आपले जे व्हीआरडीचे ब्लॉगर्स आहेत त्यांना पण खूप साऱ्या शुभेच्छा त्यांच्या भविष्यासाठी। इसमें हम लोग को बहुत दिन साल से शौक था कि कलकत्ता से मूर्ति लाएंगे कुमार टुली से। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होगा। मैं आपका भाई अरुण अपने ब्लॉग के साथ आ चुका हूँ। आज का ब्लॉग होने वाला है गणेश पूजा के ऊपर, ठीक है? तो चलिए चलते, आज आए हुए अभी आर ब्लॉग दरोगा राय पथ के पास और कुंदन भाई भी है। हाँ करते ना भाई, तो आज कुंदन भाई फिर से आ चुका है मेरे ब्लॉग में साथ में ब्लॉग करने। चलिए चलते हैं। एलईडी गेट देख के मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये भीड़ देख लीजिए, बाइक कितना लगा हुआ है सिर्फ गेट पे इतना बाइक पार किया हुआ है। कैसा लग रहा है गुंदन भाई, बोलो? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ का लुक बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे आए और देखे दरोगा राय पथ में जो गणेश पूजा किया जाता है। और गणेश पूजा, अच्छा गणेश पूजा कितने दिन तक होता है? 11 दिन का है, जो की आज 3 दिन बीत चुका है। 3 दिन तो फाइनली एंटर करते हम लोग अंदर, तो चलिए चलते और देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे एक भैया है महाराष्ट्र से, हाय करते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है और मेरे साथ मेरे कलीग है गणेश जी। अच्छा बताइएगा, जैसे गणेश चतुर्थी हो रहा है इसके बारे में, हमें यहाँ के पंडाल के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो महाराष्ट्र के तो ज्यादातर लोग हैं, उन्होंने ये महाराष्ट्र मंडल शुरू किया था। आप लोगों को सबको पता होगा कि बिहार के जो राज्यपाल थे डीवाई पाटिल करके, उनके वक्त ये सब चीजें बनी हुई है। अच्छा। तो उस वक्त से, यानी कि मे भी मुझे इतना जानकारी नहीं है ये कब से शुरू है, लेकिन ऐसा सुना है कि 50 वर्ष से यहाँ पे गणपति की मूर्ति बिठाई जाती है, यानी कि बहुत पुराना। अच्छा, पुराना 50 साल से ये त्यौहार, यानी कि त्यौहार तो पुराना ही है लेकिन बिहार में गणेश उत्सव की स्थापना महाराष्ट्र मंडल में 50 साल से हो रही है। आप लोग भी महाराष्ट्र से? यस, हम भी महाराष्ट्र से हैं लेकिन बिहार में हम 6 साल से हैं। जैसे कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको तो कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में पता ही होगा। बिहार में कुशल युवा प्रोग्राम चल रहा है 2016 से लेके, उस प्रोग्राम में 15 से लेके, यानी कि उसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिला है, लेकिन अच्छा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्यूटर का प्रशिक्षण हर एक जिला में होता है, उस प्रोग्राम के हम लीड कर रहे हैं। अच्छा, ये आप बताइए जैसे महाराष्ट्र में होता है गणेश चतुर्थी, उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है? यस यस, सेम होता है। बिहार में, महाराष्ट्र कई दूसरे अलग स्टेट है, वहाँ पे भी जो गणपति का जो त्यौहार होता है वो सब जगह पे गणेश चतुर्थी सेम ही होता है, लेकिन मुंबई में आप लोग देखते होंगे कि लाल बागचा राजा फेमस है मुंबई में, तो वही प्रतिमूर्ति है ये, सेम मूर्ति है ये। अच्छा, लाल बागचा? यस, लाल बागचा राजा मुंबई में तो मतलब बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति लगा है। यस 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 यस, इससे 3 गुना बड़ी मूर्ति होती है वो। यस, ये तो थोड़ा बहुत स्मॉल, कितने साइज होगा इसका? 7 फीट होगा लगभग, 7 फीट से ज्यादा होगा। मुंबई में कितने? वो 3 गुना, इससे लगभग 3 गुना होता है। यहाँ पे आप पिछले साल आपने देखा होगा तो हर साल में अलग अलग मूर्ति बनाई जाती है। इस साल की जो अभी गणेश जी ने बताया कि अभी लालबाग का राजा, उसके हिसाब से यानी कि जैसा लालबाग का राजा का मूर्ति रहता है वैसा ही यहाँ पे बिहार में बनाया है। पिछले साल में अलग था, अलग अलग रहता है। चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप जो थोड़ा बहुत बताए उससे हम लोग समझे, बहुत ही अच्छा लगा। यस, थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मराठी में भी बोल दीजिए। अच्छा, तुमच्याशी भेटून खूप आनंद झाला आम्हाला। चला तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा, जे आम्हाला पाहताय त्यांना पण आणि आपले जे व्हीआरडीचे ब्लॉगर्स आहेत त्यांना पण खूप साऱ्या शुभेच्छा त्यांच्या भविष्यासाठी। और इनके चॅनल को कृपया सबस्क्राइब कीजिए। अच्छा, क्या बोले? हाँ, जो अभी मैंने बोला है कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सारा धन्यवाद, और अपना जो चैनल्स है उनको भी बहुत बहुत सारी बधाई, क्योंकि बिहार में एक इतने बड़े पैमाने पे त्यौहार हो रहा है और इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में आपका जो ब्लॉग है और बड़ा हो, और मुझे एक आशा है कि नेक्स्ट साल आप यहाँ पे आएंगे और एक वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल,
चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। यहाँ पे पंडाल में बहुत ही भीड़ है, जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं क्राउड बहुत ही, और इस तरफ भी देख सकते बहुत ही क्राउड है यहाँ पे। अभी तो कम हो गया है, पहले और भी ज्यादा था। और यहाँ पीछे का क्लाउड आप लोग देख सकते हैं बहुत ही है। कुंदन भाई से पूछ ले कैसा लग रहा है कुंदन भाई? बहुत ही अच्छा लगा है, और यहाँ पे आए आप लोग और यहाँ का पूजा का आनंद ले, एक बार जरूर आके यहाँ पे विजिट करें, ठीक है। और पीछे का क्लाउड देख सकते हैं बहुत ही है। अभी बाहर भी बहुत क्लाउड है, तो अभी पीछे का बैकग्राउंड ही देख लीजिए कि इतना क्लाउड है तो बाहर कितना होगा। और कुछ पीछे भी है, यहाँ बैठने का व्यवस्था भी पूरा किया गया। तो चलिए यहाँ पे कुछ बच्चे लोग से भी जानते हैं कि उन लोगों को कैसा लग रहा है पंडाल में। यहाँ पे हाय कर दो, हाय कर दो, हाय से भाई, हाय बोलो, गणेश जी की जय बोलो, गणेश जी की जय। चलिए बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे? सब यहीं पे है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा एंजॉय कर रहे हो। घर जाने का मन कर रहा है ना? फिलहाल तो घर जाने का मन नहीं कर रहा है। कैसा मतलब अंदर से क्या फीलिंग आ रही है बता? बहुत अलग टाइप का खुशी जैसा लग रहा है अंदर से, खुशी। अच्छा यहाँ पे पहले विजिट किया हो कि आप? हाँ हमेशा आता है यहाँ पे, हर साल। हर साल कहाँ से हो? यहाँ पटना हाईकोर्ट कैंपस। चलो अच्छा लगा तुमसे बात करके बहुत, चलो ठीक है। जैसा कि अभी हम महाराष्ट्र मंडल का वीडियो आप लोग देख रहे थे, महाराष्ट्र मंडल से ठीक हम लोग अभी पटना जंक्शन पुराना वाला जो बस स्टैंड था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और पीछे में देख सकते हैं मेला लगा हुआ है। तो चलिए चलते आज मेला का भी इंजॉय करते हैं। जो बस स्टैंड है पुराना वाला मीठापुर पे, जो बस स्टैंड है वहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, तो चलिए आज इसका इंजॉय करते हैं। और हमें भी नहीं पता था, अभी पता चला। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं हम। यहाँ के मेन मेंबर मिल चुके हैं, तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। यहाँ पे कब से बैठा रहे हैं? विगत 2008 से। कितना? 2008 से। चलिए अभी जो पंडाल बैठा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। की बार क्या बात है, हम लोगों का जैसे इनको विदाई करेंगे अगला साल का तैयारी में लग जाएगा। कितने दिन का? 12 दिन का। ये 30 तारीख को ओपनिंग हुआ, 31 तारीख को चतुर्थी प्रथम दिन का पूजा हुआ। ये कंटिन्यू सुबह शाम एक दिन तीन पहर का पूजा ब्रह्म मुहूर्त में भी होता है, सत्यावन का कथा भी होता है। 9 तारीख को पूर्णाहुति होगा, पहले सुबह वाला प्रातःकालीन का पूजा होने के बाद, पूर्णाहुति होने के बाद इनको मंत्रोच्चारण से विदाई किया जाएगा। शाम में खीर का भंडारा होगा, और 10 तारीख शनिवार के दिन खिचड़ी या सब्जी नमक का भोग लगता है, जो बृहद पैमाने पर बहुत कोई माननीय लोग आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, मोहल्ले वाले लोग करते हैं, जो इनवाइटेड पर्सन है प्रशासन से लेकर सभी को जाते हैं। और हांडी का प्रसाद हम लोग का यहाँ फेमस है, उसका मट्टी का हांडी 1 किलो का रहता है, उसमें खिचड़ी सब्जी दुलिया खीर जो भी आइटम उस दिन भोग लगता है वो मट्टी का हांडी में देकर कूपन के माध्यम से जिनका सहयोग सम्मानजनक रहता है 301 रुपया उनको हम लोग कूपन लेते हैं और एक हांडी प्रसाद उनका देते हैं। और इस बार तो मेला भी लगा हुआ है। हाँ इस बार 15वां साल था और जगह सामने सफिशियंट था, और मेला वाला लोग हम लोग को तंग कर रहे थे पिछले साल से, लेकिन हम लोगों को मेला का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसका एक्सपीरियंस लिए सब जगह गए, डीएम के पास, एसडीओ के पास, कंट्रोल रूम, सीनियर एसपी, ट्रैफिक एसपी, सभी के पास जा कर के आवेदन दे करके हम लोगों को थाना से जकनपुर थाना अध्यक्ष महोदय हम लोगों को बहुत कष्ट किए हैं। मोहल्ला का बात है, आस्था का बात है, विश्वास का बात है। ये पूजा हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ ना कुछ कृपा
जो आगे बोलता है कि मेरा पूरा हुआ, तो हम लोग सोचते कि हम लोग का मैंने जितना मेहनत था खटाली वो हम पूरी। पिछले बार तो मतलब यहाँ पे तो क्या बोलते बस स्टैंड पर, इसलिए पिछले बार नहीं था उसके पिछले बार, पिछले बार तो लॉकडाउन 2021 में बिना बस स्टैंड पे भी हम लोग बहुत भव्य पूजा किए थे, और 2020 जब कोरोना काल था उसमें भी हम लोग किए थे, मात्र 3 दिन का किए थे, छोटा सा पंडाल बनाए थे, लेकिन प्रशासन से हम लोग का अलाउ नहीं हुआ, तो दुकान के अंदर हम लोग फिर जब हम लोग होने लगा तो प्रशासन बोले कर सकते हैं लेकिन हम लोग बढ़ा सकते हैं 11-12 दिन का, जो हम लोग हर एक साल करते हैं, लेकिन हम लोग फिर सोचे ना जो बचे हैं संकल्प में 3 दिन का। मूर्ति कहाँ से आप लाए, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए डिटेल से। ये आप हम लोगों को बहुत साल से शौक था, कला में बंगाल सबसे आगे है, मिठाई में आगे है, कोलकाता रसगुल्ला नामी है, तो इस बार हम लोग को बहुत दिन साल से शौक था कि कलकत्ता से मूर्ति लाएंगे, कुमार टुली से, कैसे आएगा इसके बारे में विचार, थोड़ा सा खर्चा हम लोग बजट बढ़ाए, मेहनत किए, और इनका भी इच्छा था, हम लोग बहुत पहले जा करके मूर्ति भर भी आना करके आए, एक कलाकार का नाम है विश्वनाथ पाल, उनके यहाँ से हम लोग लाए हैं, उनका मूर्ति घर, सबका अलग अलग घर रहता है कुमार टुली में, विश्व विख्यात दो ही जगह है विष्णुपुर और कुमार टुली, इस बार कुमार टुली से मूर्ति हम लोग लाए, थोड़ा सा तकलीफ हुआ लेकिन बाई रोड लाए, और 550-600 किलोमीटर है वो। कितने दिन लग गए इस लाने में? हम लोगों को लग गया 3 दिन, एक दिन जाने में हम लोग को बाई ट्रेन लगा, गाड़ी वहाँ भाड़ा करने में समय लगा, उसका तो वहीं 11 बजे दिन में मूर्ति को लोड करके पैकिंग करके 11:20 में चले हम लोग, और फिर 11:20 में एक जगह पहुंचे, वहां गाड़ी खराब हो गया, फिर दूसरा गाड़ी किए, फिर दूसरा दिन हम लोग 1:30 बजे यहां पहुंचे पंडाल पे। अच्छा, लाने में यही प्रॉब्लम हुआ कि गाड़ी बीच में खराब? हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं गाड़ी वाला लोग को कोई ये है कि इनका इच्छा था, वहाँ का भी कुछ कारीगर को लेके आएंगे ना? हाँ, कारीगर साथ में लेके आए थे, क्या कि रास्ता उतना लंबा रास्ता डैमेज होता है तो उसको, हाँ क्योंकि इतना लंबा रास्ता में लाने में थोड़ा बहुत डैमेज होता है। एक कारीगर आया था, पर डे 1000 रुपया उसका चार्ज था, उस आने जाने का भाड़ा, खिलाने पिलाने का जो स्वागत होता है वो सब करते हुए। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, एक बार जोर से बोलिए गणपति बप्पा बोलिया। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से मिलके, और आगे भी ऐसे ही करते हुए रहिए, हम लोग भी आएंगे और घूमने, और मेरे जितने भी व्यूअर है वो लोग भी आएंगे। यहाँ मीठापुर हुआ ना, मीठापुर रानी मीठापुर बस स्टैंड, न्यू बिगरापुर, अच्छा। न्यू बिगरापुर, अच्छा। पुरानी मीठापुर बस स्टैंड गेट नंबर 1। अच्छा, आइए और प्लीज एक बार जरूर आकर यहाँ पे घूमिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, मतलब पंडाल देख कर और मेला भी लगा हुआ, प्लीज आकर आप लोग भी इंजॉय करिए। चलिए, धन्यवाद, स्वागत है, वेलकम है आप लोग। तो अभी आप लोग कोलकाता का मूर्ति देख लिए हैं, तो चलिए आप आपको मेला दिखाते हैं, इस साइड में बस स्टैंड में लगा हुआ है, जो पहले का मीठापुर का पहले का बस स्टैंड हुआ करता था वहाँ पे मेला लगा हुआ, तो चलिए चल रहे हैं मेला को देखते हैं और एंजॉय करिए आप लोग भी जैसे हम एंजॉय कर। चलिए, यहाँ पे भी कुछ भैया मिल चुके हैं, इन लोग से भी बात करते हैं। तो भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। समिति के ही आदमी, कुछ बताइए आप। हम लोग समिति के ही लोग हैं, कुछ लोग संघ के जो है हम लोग सदस्य हैं। अच्छा। और ये मेला का आयोजन जो है हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, टेस्टिंग के लिए जो है हम लोग को जो है एक दुकानदार है जूस वाले, यही जो है टेस्टिंग के लिए ग्लास दिए है हम लोग को, आप लोग पीजिए, तो हम लोग जो है पिए हैं, बहुत अच्छा है। अभी भी कुछ बताइए, अभी समिति के आदमी, बस समिति के आदमी है, बस मेला का निरीक्षण कर रहे हैं। मेला बहुत अच्छा लग रहा है, शांतिपूर्वक से मेला चल रहा है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लाउड और भी होगा, अभी तो कम हो चुका है, हाँ समय ज्यादा हो जाने के कारण थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पर अभी हम प्रत्याशी भी है वार्ड पार्षद का। अच्छा, वार्ड पार्षद, हाँ, किसी अच्छा लग रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक से चल रहा है।
भैया यहीं पे मतलब चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए भैया यहीं पे आज रात का अभी कितना टाइम 10 बज रहा होगा करे 10 बज रहा होगा अभी हम लोग औचक निरीक्षण में है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो, हमारे जितने भी दर्शक लोग आए हुए मेला देखने के लिए उनको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। ये बताइए मेला कितने दिन तक चलेगा? मेला 10 दिन तक चलेगी, जब गणेश पूजा का विसर्जन हो जाएगा उस दिन तक मेला रहेगा। चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, बहुत ही अच्छा लगा जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी यहाँ मेला में हल्का क्लाउड है क्योंकि अभी रात को बज चुका है 10, तो सब लोग अपने घर चले गए हैं। अभी आप लोगों को पीछे में दिख रहा हो कम, बट भैया का कहना नाम है कि थोड़ा देर पहले ही बहुत ही क्लाउड यहाँ पर था, और अभी अगले दिन भी आप लोग आइए, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एक बार जरूर यहाँ पर आकर विजिट करिए, मिठापुर में आए हैं। अगर आप लोग यहाँ के लोकल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो पर बने हुए। बहुत ही थक चुके हैं ब्लॉग बनाते बनाते, तो अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप करते कि ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए धन्यवाद।